नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है कोचिंग सेंटर। आप अपना नया कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं या आपका अपना कोचिंग सेंटर पहले से बना हुआ है, वास्तुशास्त्र के नियमानुसार आपको अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जहाँ पर आप अपना कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं वो वेस्ट फेसिंग है, उसमें आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो आप जगह सिलेक्ट कर रहे हैं वो जगह आपकी रोड के लेवल से, सड़क के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। बाहर रोड का लेवल हमेशा ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप अपने बाहर के भाग में जो आपके फुटपाथ है या आप अपने यहाँ पर स्टेप बनाते हैं तो वहाँ पर जो पत्थर लगना चाहिए या तो ग्रे कलर लगना चाहिए या वाइट कलर ही लगना चाहिए। आपके यहाँ रेड कलर का पत्थर लगा हुआ है या ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का पत्थर लगा हुआ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ सेविंग नहीं आ सकती। बच्चों के आपस में झगड़े होने के कारण भी बार बार बनते रहते हैं, बच्चों की और टीचर्स की आपस में ट्यूनिंग नहीं बनती, इस तरह की भी समस्याएँ देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है आपके यहाँ फ्रंट के भाग में वाइट कलर या ग्रे कलर का पत्थर ही लगना चाहिए। आपके यहाँ शटर लगा हुआ है तो शटर के ऊपर जो आपने कलर करना है वो वाइट कलर या ग्रे कलर या सिल्वर कलर ही होना चाहिए। और आपके यहाँ डोर लगा हुआ है तो डोर के ऊपर आपने जो कलर करना है वो वाइट कलर या ग्रे कलर ही करना है। आपने जो अपने यहाँ अंदर आने की एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग से बनानी है। फ्रंट के भाग में आपका एक तो ऑफिस बन जाएगा और एक अपना रिसेप्शन बन जाएगा। रिसेप्शन टेबल आपने यहां पर एल शेप में लगानी है। यहां पर रिसेप्शनिस्ट की चेयर आ जाएगी। आपने अपने यहाँ पर प्रिंटर रखना है तो प्रिंटर आपका वेस्ट वॉल पर आ जाएगा और आपका अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका यहाँ पर आएगा। वेटिंग के लिए आपने जो एरिया बनाना है वो एरिया आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर आप अपना सोफा भी लगा सकते हैं और चेयर्स रखना चाहें तो चेयर्स भी रख सकते हैं। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने यहाँ पर रखना है। ऑफिस के अंदर जाने के लिए जो डोर बनाना है वो डोर आपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाना है। ऑनर की जो सीटिंग है ये ऑनर की टेबल आ जाएगी, ऑनर की सीटिंग यहाँ पर आएगी। ऑनर का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर होगा। यहाँ आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आकर बैठ जाएंगे। आपने अपने यहाँ पर सोफ़ा लगाना है तो वो सोफ़ा आपने अपना यहाँ पर ईस्ट वॉल के साथ लगाना है। आपने अपने यहाँ पर कैबिनेट साउथ वॉल पर बनानी है। इसके अंदर आपके अपनी शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज आ जाएंगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपकी अपनी बुक्स भी आ जाएंगी। जो आपके यहाँ स्टडी मटेरियल होता है वो भी आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। मंदिर आपने अपने यहाँ पर ऑफिस के साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर बनाना है। क्लासरूम में अंदर जाने के लिए जो रास्ता बनाना है, जो डोर बनाना है, वो डोर आपने अपने यहाँ पर बनाना है। क्लासरूम में जो बोर्ड लगाना है बोर्ड आपने ईस्ट वॉल पर लगाना है। जब भी क्लासरूम के अंदर बोर्ड ईस्ट वॉल पर लगता है, बच्चों का फेस पढ़ते हुए ईस्ट की ओर होता है और टीचर का फेस पढ़ाते हुए वेस्ट की ओर होता है, हमेशा ही उस क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। ईस्ट की ओर फेस करके पढ़ने वाले बच्चों को जीवन में कामयाबी भी मिल जाती है। बच्चों के जो डेस्क लगेंगे, जिस हिसाब से आपका अपना क्लासरूम है उसके हिसाब से तीन बच्चों की सीटिंग बनाना चाहते हैं तो तीन बच्चों की सीटिंग बना सकते हैं और दो बच्चों की सीटिंग बनाना चाहते हैं तो दो बच्चों की भी बना सकते हैं।
दो बच्चों की सीटिंग बनती है तो दो की बनाएं, और तीन की बनती है तो डेस्क पे आप तीन बच्चों की सीटिंग बना सकते हैं। आपके यहाँ डेस्क की लाइन तीन लगती है तीन लगाए, चार लगती है चार लगाए, और पांच लगती है पांच लगाए, जिस हिसाब से जो स्पेस है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर डेस्क लगा सकते हैं। लेफ्ट राइट में डेस्क आ जाएंगे और बीच में आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्थ वॉल के साथ भी आप अपने यहाँ पर डेस्क लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चे की सीटिंग बनती है एक की बनाएं, दो की बनती है दो की बनाएं, और तीन की बनती है तो तीन की भी बना सकते हैं। टीचर की जो टेबल लगेगी वो टेबल आपके यहाँ पर लगेगी, टीचर का फेस वेस्ट की ओर होगा। आपके यहाँ स्मार्ट क्लास है तो उसका जो बोर्ड लगेगा वो भी ईस्ट वॉल पर आएगा, और टीचर की जो टेबल आएगी वो टेबल आपके यहाँ पर आ जाएगी, और टीचर का जो फेस होगा वो नॉर्थ की ओर होगा। आप अपने यहाँ पर क्लासरूम में पीने का पानी रखना चाहते हैं तो पीने का पानी आप क्लासरूम के नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर रख सकते हैं। आपने अपने यहाँ क्लासरूम में एसी लगाने हैं तो एसी आपके क्लासरूम के साउथ वॉल पर एसी आ जाएंगे। आपने एक एसी लगाना तो एक लगाएं, दो लगाने हैं तो दो लगाएं, और ऐसे ही ऑफिस के अंदर भी जो एसी लगेगा वो भी आपका साउथ वॉल पर ही लगेगा। एसी के जो आउटडोर है वो आपके छत के ऊपर टेरेस पर जाने चाहिए। यदि टेरेस पर आपके एसी के आउटडोर नहीं जा सकते तो आप अपने एसी के आउटडोर साउथ वेस्ट में यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है एसी की जो पाइपलाइन बाहर निकलती है, दीवार के हिस्से से जो बाहर निकलती है, उस हॉल को आपने अच्छे तरीके से बंद कराना है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर कोचिंग क्लास के लिए सेटअप करते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपका कोचिंग क्लास हमेशा ही अच्छा चलेगा। आपके यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनका रिजल्ट हमेशा ही बेहतरीन आएगा। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप अपने किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वीडियो बनवा सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट के प्रति, चाहे आपकी रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, उसके लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो वास्तु सलाह भी ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर एक वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।